नवजोत कौर सिद्धू और परगट सिंह के कांग्रेस में शामिल होते ही विरोधियों ने उन पर हमला बोलना भी शुरू कर दिया। पंजाब बीजेपी ने कांग्रेस का हाथ थामने वाली डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू और परगट सिंह को बधाई देने के साथ चुटकी भी ली है। इधर दिल्ली में नवजोत कौर सिद्धू और परगट सिंह ने कांग्रेस का दामन थामा, उधर पंजाब बीजेपी और अकाली दल ने दोनों को शुभकामनाएं देने के साथ कटघरे में खड़ा कर दिया। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने बधाई देते हुए चुटीले अंदाज में नसीहत भी दे डाली। सांपला ने कहा कि जो बीजेपी और अकाली दल से वफा नहीं कर पाए, कम से कम कांग्रेस को धोखा ना दे। साडे वालों दोनों नूं बधाईआं, पर नाल नाल इह वी है कि साडे नाल ते इमानदारी नाल नहीं रहे, घट्टो घट फ्यूचर च किसे नाल इमानदारी नाल रहण। पर नाल नाल इह वी जी उहनां लई सवाल है कि हले एक महीना डेढ़ महीना पहलां तक ते उह कैप्टन नूं जां कांग्रेस नूं गालां कढ़दे सी, और अज उहनां नूं बड़ी प्यारी लगण लग पई। इह लोक सवाल उहनां नूं पुछणगे। उधर दूसरी तरफ अकाली दल का कहना है कि परगट सिंह को विधायक बनाने में अकाली दल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। साथ ही नवजोत कौर सिद्धू को भी निशाने पर लिया। परगट सिंह का सवाल है, बड़े बढ़िया इंसान ने, बढ़िया खिडारी ने, पर सियासत दे विच श्रोमणी अकाली दल ने उन्होंने लियांदा, MLA बनाया, बड़ा मान दिता, पर शायद ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। पंजाब भाजपा प्रधान का कहना है कि कम से कम नई जगह पर जाकर वफादारी निभाएं। दिल्ली से पंकज कुमारी के साथ राजन गुसाई, जी मीडिया, अमृतसर।